रामचंद्र कह गए सियासी ऐसा कलयुग आएगा, रिश्तों की होगी नीलामी और अपनों से अपनों का भरोसा उठ जाएगा। जब अपने ही जुर्म की वारदात को अंजाम देने के लिए सक्रिय हो जाए तो फिर रिश्तों की अस्मत को तार तार करने से कैसे रोका जाए। इसी कड़ी में जनपद हमीरपुर के बीवार थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक एक चाचा ने अपनी 5 साल की मासूम भतीजी के साथ घर में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं जब मासूम की मां और परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो उनके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वहीं मासूम ने दबी आवाज में अपनी मां को घटना की जानकारी दी और बताया कि चाचा टॉफी खिलाने के बहाने उसे घर पर ले गए और घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं इस प्रकरण पर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही मासूम बच्ची को मेडिकल के लिए जिला स्वास्थ्य केंद्र भी भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन्हीं के परिवार का ही व्यक्ति है, बेसिकली रिश्ते में चाचा लगता है, बिल्कुल घर के सामने ही है, उसके घर के सामने ही है बच्ची के। वो भाला फुसला के अपने घर में ले गया और उसके साथ दुराचार की बात आई है। थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और क्षेत्राधिकारी मौदा के नेतृत्व में 3 टीमें बनी हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, आशा है जल्दी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। बच्ची का यहाँ मेडिकल परीक्षण के लिए लाया गया है, शेष आवश्यक कार्रवाई पूरी करा के। जनमत न्यूज़ के लिए हमीरपुर से कर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।